हेलो एवरीवन, हाउ आर यू माय लवली किड्स? यू ऑल आर फाइन? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम. वंस अगेन योर स्मिता मैम हियर टू यू विद गोकुलदास पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस. एंड स्टूडेंट्स, हु कैन टेल मी इन विच क्लास यू आर स्टडिंग? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? इन विच क्लास यू आर स्टडिंग? यस, वेरी गुड. I am studying in nursery class. Yes, nursery class. And what's your school's name? Gokuldas Public School. Yes, what's your school's name? Gokuldas Public School. Okay, now in which class you are studying? Nursery. And which subject period today? Today is Hindi period. Yes. Which period is going on? Hindi period is going on. Which period is going on? Hindi period is going on. Okay, students. तो हमने हिंदी के पीरियड में हिंदी भाषा में अभी तक बहुत सारे अक्षरों को सीख लिया है. तो है ना, अब उन अक्षरों के क्रम को हम आज आगे बढ़ाएंगे. साथ ही में जो हमने सीखा है उसे हम रिवाइज भी करेंगे. तो आप सब रेडी हैं? ओके, तो फटाफट अपनी ऑल इन वन बुक निकाल लीजिए और मेरे साथ हिंदी पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए. ओके, सो हमने सबसे पहले कौन सा हिंदी वर्णमाला का अक्षर पढ़ा है? अ. आपको अपनी ऑल इन वन बुक दौड़ कर लाना है. ये रही आपकी ऑल इन वन बुक, और इसे ओपन करना है. या आपके घर पे चार्ट है तो चार्ट के साथ पास में बैठ करके करिए. या आपके पास कोई भी हिंदी बुक हो तो आपको उस हिंदी बुक को निकालना है और जो जो अक्षर मैं बता रही हूँ उस अक्षर के ऊपर उंगली रख करके आपको उसे बोल बोल कर दोहराना है. ठीक है, तो आप सभी को मेरे साथ इन अक्षरों को दोहराना है. आ से आम, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईख, से उल्लू, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, और से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईख, उ से उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि. फिर कौन सी लाइन आएगी, कौन बताएगा मुझे? एड़ी की. वेरी गुड. ए से एड़ी, आय से ऐनक, ए से एड़ी, आय से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, अह खाली, है ना, अह खाली, ए से एड़ी, आय से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, अह खाली. अब कौन सी लाइन आएगी? वेरी गुड. क से कबूतर, ख से खरगोश. आप सभी अपनी बुक में या चार्ट पर फिंगर रखकर दोहरा रहे हैं ना. क ख, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग खाली. क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग खाली. अब कौन सी लाइन आएगी, बतलाइए? च चम्मच वाली लाइन. वेरी गुड. च से चम्मच, छ से
छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, इय खाली, च छ ज झ इय। अगली लाइन कौन सी है, अगला लेटर, अगला अक्षर कौन सा है? ट। वेरी गुड। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण खाली, ट ठ ड ढ अण, है ना। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण खाली, ट ठ ड ढ अण। अब है त। त से तरबूज, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, त थ द ध न। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, त थ द ध न। अब है लाइन पपतंग की। प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी या बागीचा, भ से भालू, म से मछली, मगर, है ना। प से पतंग, फ से फल, ब से बागीचा, भ से भालू, म से मछली। प फ ब भ म। प फ ब भ म के बाद कौन सी लाइन आएगी? य। वेरी गुड। य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू या लड़का या लड़की। य र ल व ल, और ल के बाद में हमने, हमें अभी हमारे जो नए अक्षर हैं उनको सीखना बाकी है। हमने अभी तक सीखा है य र ल, ठीक है। और आज हम जो नए अक्षर सीखेंगे वो है व और श। व और श। तो बच्चों हम य र ल हमने सीख लिया है, और अब हम सीखेंगे व और श। कौन से शब्द सीखेंगे? व और श। तो व अक्षर से कौन कौन से शब्दों की शुरुआत होती है? तो आप अगर अपने आउटलाइन बुक को लेकर बैठे हैं तो एक बार ध्यान से देखें। ल से होता है लट्टू, ये है ल अक्षर। ल से होता है लट्टू, ल, ल से लट्टू। व, व से वर्षा। य से यज्ञ, र से रथ या रस्सी, और ल से लट्टू, व से वर्षा। वर्षा मीन्स बारिश। व से वर्षा। और श से होता है शलजम, श से शलजम, श से शलजम। व से होता है वर्षा, व से होता है वन, व से वर्षा, व से वन। व से वर्षा भी होता है और व से वन भी होता है। फिर व से होता है वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़, व से वृक्ष। व से वक, वक मीन्स, ये देखिए ये जो बगुला होता है इसे वक कहा जाता है। व से वक, व से
वस्त्र। आप सोच रहे होंगे ये तो कपड़े हैं, मैम इन्हें वस्त्र क्यों बोल रहे हैं? तो बच्चों कपड़ों को संस्कृत में या शुद्ध हिंदी में वस्त्र कहा जाता है। व से वृक्ष, व से वक, व से वस्त्र, व से वर्षा, व से वन। वन मतलब जंगल। मैंने व से कितनी सारी चीजें बताई है, फिर से एक बार दोहराएंगे और अक्षर व को आप ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। ये है अक्षर व। व से होता है वर्षा, व से वन, व से वृक्ष, व से वक और व से वस्त्र। ठीक है बच्चों, अब य, य, र, ल, व। हमने व पढ़ा, अब व के बाद में कौन सा अक्षर आता है? श। यस, श। और वो श हम कैसे लिखते हैं? सब ध्यान से देखेंगे बोर्ड की तरफ। ये है श। श से सलजम, श। और ये श हम इस तरीके से लिखेंगे, ये है श। श से होता है शकर। शकर मीठी मीठी जो चाय में डलती है और किसी भी चीज की मिठास बढ़ाने के लिए हम उसमें शकर का उपयोग करते हैं, तो श से होता है शकर। श से शलजम, श से शलजम। और श से क्या होता है? और भी चीजें होती है जो श अक्षर से शुरू होती है। श से होता है शहद। जब अब आपको खांसी हो जाती है तब मम्मा शहद में अदरक का रस वगैरह डाल के कुछ पेरेंट्स देते हैं अपने बच्चों को, श से शहद। ये पूजा में भी यूज किया जाता है। श से होता है शहद। श से शहद, श से शलजम, श से शहद, श से शस्त्र, श से शस्त्र। तो ये अक्षर श। श। व से वन, व से वर्षा, व से वृक्ष, व से वस्त्र और व से एक और कौन सी चीज बताई थी मैंने? वक, है ना। और ऐसे ही श से शकर, श से शलजम, श से शहद, श से शस्त्र। तो बच्चों हमारी ये पंक्ति भी कंप्लीट हो चुकी है। य, र, ल, व, श। तो आप सभी बच्चों को इसे फिर से दोहराना है और अच्छे से इन्हें सभी को लर्न करना है। तो एक बार फिर से मेरे साथ ही सनाराम को दोहराएंगे और अच्छे से याद करेंगे। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, रि। ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इय। ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श। हमने श तक के अक्षरों को कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही हमने एक पोयम याद की थी पिछले बार। कौन सी कविता याद की थी, कौन बताएगा मुझे? हाँ, वेरी गुड, बाल सिपाही। तो एक बार फिर से आप मेरे साथ में उस कविता को दोहराएंगे, क्योंकि हमें इस कविता को भी अच्छे से याद करनी है, है ना। चलिए तो दोहराएंगे। ये कविता है एक छोटे से नन्हे मुन्ने आप जैसे एक छोटे से बच्चे की, जो एक सिपाही बनना चाहता है। बाल सिपाही मतलब छोटा बच्चा, बाल में छोटा, और सिपाही मतलब जो सेना में लड़ने जाते हैं ना सैनिक, हमारे उन्हें सिपाही कहते हैं। तो बाल सिपाही नाम कर ये कविता है, कविता का नाम है, और ये आपके ऑल इन वन बुक के पेज नंबर 79 पर है। ठीक है, तो आप सभी से मेरे साथ दोहराएंगे। भारत माँ का बाल सिपाही, भारत माँ का बाल सिपाही, सेना पर लड़ने जाऊंगा, सीमा पर लड़ने जाऊंगा, दुश्मन जो दिख जाए तो, दुश्मन जो दिख जाए तो,
मार गिराऊंगा, मार भगाऊंगा, सॉरी उनको मार भगाऊंगा। तो आपको इस कविता को फिर से एक बार दोहरानी है। भारत माँ का बाल सिपाही, भारत माँ का बाल सिपाही, सीमा पर लड़ने जाऊंगा, सीमा पर लड़ने जाऊंगा, दुश्मन जो दिख जाए तो, दुश्मन जो दिख जाए तो उनको मार भगाऊंगा, उनको मार भगाऊंगा। तो बच्चों आपको इस कविता को अच्छे से याद करनी है। आई होप कि आपको इन सब अक्षरों को अच्छे से पहचानना आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो आप घर पे बार बार प्रैक्टिस करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय।